পাগল ঔরত তুজে অকলে তু কিয়া বল রহি হে চুপ চুপ হো জা সাতবি ফেল চুপ এক শব্দ নেই So, hi guys, welcome back to the brand new video of Gaming and Tech YouTube channel. Guys, today we are going to download Windows 11, download karne, install karne, aur bhai first look dekhne ki bhai Windows 11 kaisi hai. So guys, sabse pehle main search marta hu yahan pe Windows, yahan pe guys main browser khol liya hu apna. Aur guys, aapko bhi apna browser khol lena hai. Search marna hai Windows 11 ISO download. So ye search marna hai aapko Windows 11 ISO aur download. लिख देना है तो गाइज ये लिखते ही आपको सर्च मार लेना है सर्च मारते ही गाइज जो ये वेबसाइट आएगी सेकंड नंबर पे androidsage.com इस पे क्लिक कर देना और गाइज इस वेबसाइट पे क्लिक करते ही एक पेज ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे तो गाइज ये देख सकते हैं आप ये हमारी विंडोज 11 है तो गाइज काफी अच्छी लग रही है देखने में तो गाइज आज हम इसको डाउनलोड करेंगे और मैं आपको इंस्टॉल करना भी बताऊंगा तो गाइज ये कुछ इसके स्क्रीनशॉट भाई बहुत अच्छी लग रही है गाइज माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स को बहुत फायदा दिया है और जितने भी फीचर्स है मैंने एक वीडियो में बताया थे मेरे आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लेना उसमें विंडोज 11 के लगभग सारे फीचर्स हमने कवर करे हैं फिर गाइज नीचे चलते हैं और गाइज यहाँ पे ये लोगों के कमेंट्स हैं गाइज थोड़ा ऊपर चलते हैं तो देख सकते हैं आपके पास कितने सारे लिंक अवेलेबल हैं तो मेगा का लिंक है मीडिया फायर का लिंक है एंड्रॉइड फाइल होस्ट का गाइज सबसे वेरीफाइड लिंक एंड्रॉइड फाइल होस्ट का है क्योंकि मैं भी उसी से डाउनलोड करने वाला हूँ तो आप वो वाला ही लिंक खोलें वो ज्यादा बेहतर रहेगा तो आपको विंडोज 11 के स्पेक्स देख लेते हैं गाइस एक बार तो गाइस विंडोज 11 और विंडोज 10 के स्पेक्स हैं मेरे हिसाब से सेम ही होने चाहिए तो हम देखते हैं विंडोज 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और गाइस ये विंडोज 10 की जैसी है 2GB रैम कोई भी सिंगल कोर 1.2GHz का प्रोसेसर और गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है 64-bit का ही खाली सपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है वो इससे गाइस आप गेमिंग ही कर पाएंगे अच्छी तरह गेमिंग और सारे काम ढंग से कर पाएंगे क्योंकि 64 बिट का ही सपोर्ट है तो गाइस आप समझ सकते हैं कि यार 64 बिट ही ज्यादा सही रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो एंड्रॉइड फाइल होस्ट का लिंक क्रिएट करेंगे आप और ये विंडोज 11 का लिंक ओपन हो जाएगा आपके पास तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ ये वेरीफाइड डाउनलोड है नीचे 4.5GB की साइज है 64-bit ISO है क्लिक हियर टू डाउनलोड पे प्रेस कर देंगे सर्चिंग फॉर मिरर तो गाइस यहाँ पे सारे मिरर्स आ जाएंगे प्राइमरी डाउनलोड वाला मिरर आपको चूज करना है सबसे ऊपर वाला हाँ ये वाला मिरर चूज करना है और गाइस मैं कहूंगा कि आप ओवर वाईफाई ही डाउनलोड करना और गाइस डाउनलोड मैनेजर का यूज करना कोई भी ब्राउजर से डाउनलोड मत करना क्योंकि ब्राउजर से डाउनलोड जो है काफी धीरे हो जाता है तो गाइस मैंने डाउनलोड करने रख दिया ISO और गाइस मैं डिलीट मारूंगा क्योंकि गाइस मैं यहाँ से डाउनलोड नहीं करूंगा ब्राउजर से ब्राउजर में गाइस स्पीड बहुत धीरे आती है और मोबाइल डेटा से तो बिल्कुल मत करना क्योंकि 4.5GB की ISO काफी बड़ी ISO होती है उसके बाद गाइस ड्राइवर्स होंगे अपडेट्स होगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी ISO राइट क्लिक करना जो भी गाइस आपके पास लिंक आया है उसको कॉपी करना और गाइस उस लिंक को कॉपी करके आप जिस भी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करते हो उसी से डाउनलोड कर लेना कॉपी लिंक एड्रेस और गाइस जिस भी डाउनलोड मैनेजर का आप यूज करते हो उसका नाम सर्च मार लेना तो मैं फ्री डाउनलोड मैनेजर में डाउनलोड करना लगा रहा हूँ पहले और गाइज फ्री डाउनलोड मैनेजर में मैं दिखा देता हूँ आपको ये मैंने URL डाल दिया है तो अब हम ओके प्रेस कर देंगे फटाफट से और गाइज ओके प्रेस करते क्वेरिंग इन्फो तो गाइज क्वेरिंग इन्फो यानी इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा फाइल के लिए तो गाइज ये थोड़े से सेकंड्स लेगा ये वाला प्रोसेस क्योंकि यार इन्फो ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है गाइज इन्फो मिलते ही एंड टू एंड जो है ना ये आपको दिखा देगा फाइल की जितनी भी बातें हैं मतलब की फाइल की साइज कितनी है फाइल का नेम क्या रखना है बग वगैरह वगैरह तो गाइज आप देख सकते हैं 4.54GB का डाउनलोड है डिस्क स्पेस 82GB और डाउनलोड हमने स्टार्ट कर दिया है तो गाइस ये मेरी डाउनलोड स्पीड आ रही है तो गाइस ये जो है ये फ्री डाउनलोड मैनेजर है इससे भी गाइस मैं आपको मना करूंगा डाउनलोड करने से गाइस वैसे इसमें स्पीड काफी फास्ट आ रही है जैसा कि आप देख सकते हैं हमें फायरफॉक्स जो 4-5 KBPS दे रहा था ये जो है 700-800 KBPS दे रहा है और भाई MB में भी जा रही है स्पीड लेकिन गाइस इससे अच्छा ट्रिक जो है वो एक ही है वो उसको मैं गाइस सबसे अगले ट्रिक कहता हूँ वो ये है कि गाइस आप हाँ इस डाउनलोड मैनेजर का यूज करें इसका नाम है IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर और गाइस आप देख सकते हैं मेरी कितनी हाई स्पीड आ रही है यहाँ पे गाइस आपको MBPS में भी स्पीड देखने को मिलेगी और बड़े बड़े KBPS यानी 500 600 700 800 लिंक स्पीड आपको 500 600 KBPS कम से कम देखने को तो गाइस अब आप जो इंस्टॉल होने का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं आपको ऐसे इंस्टॉल करना है तो गाइस बाय बाय अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में और इस ट्रिक से आपके विंडोज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी आराम से जैसा कि आप देख सकते हैं